सर बहुत शुक्रिया। अचानक शाम 6 बजे आप मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्या कोई शिकायत मिली थी, कोई सूचना मिली थी या फिर क्या कुछ देखने के लिए पाए? पूरा सदर अस्पताल शाम का वक्त है, देखिए चेक चाक करके बाहर निकल रहे हैं, कई डॉक्टर साहब से मिले, गाड़ी लगी हुई है, बॉडीगार्ड है, कई जो कर्मी है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये ICU भवन है, इसी के अंदर जो है कई जो कर्मी हैं जो इलाजरत हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिहार के आप शिक्षा मंत्री हैं, कई जगह जाते होंगे तो लोगों की एक आस भी होती होगा, आप यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ शिकायतें भी मिलती है जिस तरीके से अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ बता भी रहे हैं? बिहार के मधेपुरा में है, शाम 6 बजने को चला है और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव अचानक मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंचते हैं। देखिए शिक्षा मंत्री की वहां पे गाड़ी लगी हुई है, बॉडीगार्ड है, कई जो कर्मी है वो वहां पहुंचे हुए हैं और ये ICU भवन है, इसी के अंदर जो है कई जो कर्मी हैं जो इलाजरत हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जिस तरीके से मधेपुरा सदर अस्पताल के ICU भवन पहुंचते हैं, क्या कोई शिकायत मिली थी, किस बात को लेकर आए थे? हालांकि वो जब भी मधेपुरा आते हैं, यहाँ से विधायक भी है बिहार में के जो है बिहार के शिक्षा मंत्री है, तो लगातार आते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। देखिए किस तरीके से जो बिहार के शिक्षा मंत्री है वो इस वक्त जो है मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम भी उनसे बातचीत करें और कई जो मधेपुरा सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लोगों को मिले हैं, देखे हैं, कई चीज़ों को जाँच पड़ताल किया और कई लोगों से बातचीत किए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव अचानक पहुँच गए मधेपुरा सदर अस्पताल, शाम का वक्त है, देखिए चेक चाक करके बाहर निकल रहे हैं, कई डॉक्टर साहब से मिले। सर बहुत शुक्रिया। अचानक शाम 6 बजे आप मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्या कोई शिकायत मिली थी, कोई सूचना मिली थी या फिर क्या कुछ देखने के लिए पाए? शिकायत की सूचना नहीं थी, हमारे पार्टी के महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन लोगों की सीधे हिदायत है, निर्देश है कि आप अगर जिलों में जाते हैं तो अपने अस्पतालों को भी जरूर देखिए, क्योंकि अस्पताल सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। तो शिक्षा के महकमा को तो मैं देख ही रहा हूँ, अस्पताल मेरा महकमा नहीं है लेकिन सरकार के मंत्री हैं तो ये हमारा धर्म है और जिला गृह जिला है तो और कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं यहाँ अपने समझ से आया कि हम अपनी स्थिति को जाकर देखें अस्पतालों की क्या स्थिति है और इमरजेंसी वार्ड में आए। इमरजेंसी वार्ड में आने के बाद तो मुझे ये महसूस हुआ डॉक्टरों की उपलब्धता है, ये ICU वार्ड है तो ICU वार्ड में डॉक्टरों की उपलब्धता, फूल बाबू हो, संतोष बाबू हो, नवीन बाबू हो, आरती है, मोनिका है, तो ये सब के जो देखा एक्शन, फिर मरीजों से मिला तो मुझे यह महसूस हुआ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे में बहुत ही बेहतर सुधार हुआ है हर मामले में, बेहतर सुधार हुआ है हर मामले में और आप भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर बिहार के आप शिक्षा मंत्री हैं, कई जगह जाते होंगे तो लोगों की एक आस भी होती होगा, आप यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ शिकायतें भी मिलती है जिस तरीके से अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ बता भी रहे हैं? नहीं, मरीजों ने कोई शिकायत नहीं की, जो ICU में आए हैं यहाँ कोई शिकायत नहीं की है और फोन से हमारे कुछ जो JNKT का तो कुछ शिकायत आता है, सदर अस्पताल की शिकायत तो सच में नहीं आई है। JNKT का शिकायत ये आता है कि चिकित्सकों की कमी है, तो मैं महसूस करता हूँ कि वो कमी है तो उस कमी को सरकार दूर करेगी। लेकिन सर ये शिकायत ये भी आती है कि जो वहाँ के जो मरीज होते हैं वो मधेपुरा सदर अस्पताल में आके ठीक होते हैं लेकिन वहाँ चीज़ें ठीक नहीं चलता है, कई सारी जो मरीज़ की ये शिकायतें होती है, तो क्या इस बात को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री है उन तक रखेंगे या फिर आप शिक्षा? आप कह रहे हैं आपके सूचना को ग्रहण करते हैं, मगर अगर यह सत्य है, आपकी सूचना अगर सत्य है तो इसको दिखवाएंगे, जांच का विषय होगा, लेकिन हर अस्पताल की स्थिति कल से बेहतर है जी। कल से बेहतर है, मधेपुरा सदर अस्पताल पहुँचे तो यहाँ भी कुछ कमी वगैरह दिखी? जहाँ मैं ICU में आया हूँ यहाँ तो मुझे कमी नहीं दिखी, जो वेंटिलेटर का मामला है, एनेस्थेटिक्स का मामला है, एनेस्थेटिक्स नहीं है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, उसकी जुगत सरकार करेगी कि एनेस्थेटिक्स हमारे यहाँ है। डॉक्टर साहब भी कुछ शिकायत वगैरह कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर? अभी तक तो नहीं किए हैं, सारे डॉक्टर हैं बैठे। राहुल गांधी का सर जन्मदिन है इस मौके? राहुल गांधी जी एक संकल्पित नेता हैं और देश के मजलूमों गरीबों का ख्याल रखते हैं और सत्य पथ पर हैं। मैं अपने जीवन में अभी तक देखा हूँ, राहुल गांधी का उम्र तो हमसे कम है लेकिन राहुल गांधी जी जब से आए हैं तो उन्होंने कम से कम यह साबित किया है कि लफाजी नहीं है उनके अंदर और वो जो बोलते हैं वही सोचते हैं, वही करना चाहते हैं। तो एक बेहतरीन नेता जो भारत वंशियों के बीच में है, ईश्वर करे वो शतायु हो
और मजलूमों गरीबों को बेहतर ढंग से देखें, इनके बेहतरी की और ज़्यादा जितना उनके समझ में आ सकता है जो वो कर सकते हैं करें, और देश के विकास को आगे करने में जो ज्ञान लगा सकते हैं उसको लगाएं, और जो आने वाला समय है, जो बैठक निर्धारित है 23-24-22 को ही हमारे अतिथि लोग आ रहे हैं देश भर के विपक्षी पार्टियों का वो महासम्मेलन होने वाला है, तो मैं उम्मीद करूंगा, उनसे आशा करूंगा कि निश्चित तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करने में वो सार्थक भूमिका निभाएंगे। सर अंतिम सवाल है, डॉक्टर साहब को सर कुछ निर्देश वगैरह भी आपकी तरफ से मिला है? मैं महसूस ही नहीं किया तो निर्देश क्या देना है, हम यही रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं। हाँ जी, हम यही रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं कि जिस ढंग से अभी काम करते देखा है इसी को कंटिन्यू, यानी सब कुछ ठीक ठाक है मेरी नज़र में, पूरा ठीक। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का साफ कहना है कि मधेपुरा सदर अस्पताल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है, लगातार जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, डॉक्टर साहब को कोई जो निर्देश वगैरह नहीं दिया गया है। और लगातार देखिए किस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव चेक चाक किए हैं, लोगों से मिले हैं, बातचीत किए हैं, और लगातार जो है अब शाम का 6 बजने को चला है, अब दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, जब भी बिहार के मधेपुरा प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री है वो आते हैं तो कई से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, भोज भंडारा में भी जाते हैं। और देखिए ये मधेपुरा सदर अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों से मिलते हुए अब जो आईसीयू रूम से जो बाहर निकल रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।